So, children, now let's move on to chapter number 5. And the name of the chapter is the energy game. So, in this chapter, we are going to learn about different energies, different types of energy that we use in our daily life. So, we have to start from here. Here you can see start option start karna. Here we are going to learn about hydropower. Do you know what is hydropower? वाटर को यूज करके उससे जो भी पावर क्रिएट की जाती है so जब आपका सिर्फ आधा भरा हुआ था तो आप क्या बंद कर देते हो या पूरा भरते हो इफ यस देन यू हैव टू रोल टू और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको या तो टू आना चाहिए आपके डाइस में या फिर सिक्स आना चाहिए तभी आप आगे जा सकते हो

सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी इज द सन एनर्जी सन के एनर्जी को यूज करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट कामों में यू टर्न ऑन योर रेडियो वेन यू लीव तो जब आप जब जाते हो तो क्या आप अपने रेडियो को ऑन खुला छोड़ के चले जाते हो जब आप कहीं भी जाते हो टेक एनर्जी शॉर्टकट आपको जाना है एनर्जी शॉर्टकट में अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा सर्दियों के मौसम में ठंडी लगती है तो क्या आप थर्मोस्टैट को ऑन कर देते हो स्वेटर पहनने के जगह अगर ऐसा करते हो तो इट इज कोल्ड आउट साइडेट टू शर्ट द डोर बाहर बहुत ठंड है और आप अपना दरवाजा जो है घर का वो बंद करना भूल गए सो so, अगर आप ऐसा करते हैं

You use your rechargeable batteries, go ahead, four spaces. Agar aap apne rechargeable battery ko use you up to aapko four spaces. Aage sakte ho. You take uh, a turn on your AC instead of fan. Fan giving up AC use te, and then you have to take energy drain. So, similarly, children, you have to read all these and you have to finish this game. Play this energy game with your partner and learn a few life skills.

तो आज सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है सोलर सेल्स टर्न लाइट फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिसिटी सो ये जो सोलर सेल्स है वो जो सन की लाइट है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं